हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर होल्डिंग करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि इसमें देखो लॉकडाउन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों दोस्तों इसके पहले बिजनेस मॉडल को पहले समझ लेते हैं हम। देखो इसका पावर ग्रिड का क्या मतलब है, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड मतलब देखो जाल। देखो इलेक्ट्रिसिटी का जाल, देखो तो यहाँ पर एक फोटो एक बताया हुआ है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसके टोटल इसका बिजनेस मॉडल को अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों। इसका जैसे ये देखो जब पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है तो देखो उसको तुरंत उसको यूज़ करना होता है। तो उसको यूज़ करने के लिए देखो जितना डिमांड है उसको हमें पता चलना चाहिए। जितना डिमांड है उतना ही अगर जनरेट करेंगे तब ये बराबर ये यूज़ होगा, क्योंकि देखो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है उसको स्टोर करके रखा जा सके। तो पावर का जो बिजनेस ऐसा होता है कि पावर जितना जनरेट किया उसको तुरंत यूज़ करना पड़ेगा। अगर जो अपने जनरेट करके रखा हुआ है तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर बीच में देखो ट्रांसमिशन एक स्टेशन होता है उनका, तो वहाँ पर देखो जहाँ से जनरेट होता है वहाँ से बीच में उनके पास आता है, फिर वहाँ से वो जहाँ पर देखो बिजनेसेस में रेसिडेंस में और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर सप्लाई करें। तो यहाँ पर देखो ये ट्रांसमिशन इनका पावर ग्रिड वाले का काम होता है, यहाँ पर कितना डेटा लेते हैं, वहाँ पर कितना डिमांड है, वहाँ पर यहाँ रेसिडेंस स्टेटस पे बिजनेस पे कितना डिमांड है उसका, उतना ही डिमांड के हिसाब से वो पावर स्टेशन से वहाँ पर इतना जनरेट करके वो वहाँ पर मंगवा के लेते हैं। उसके हिसाब से ये देखो ये एनालिसिस उनका चलता रहता है कितना डेट चाहिए, तो ये पूरा बैलेंस में चलता रहता है ताकि वेस्ट ना हो पावर एकदम। तो इनका एक इस तरह से बिजनेस मॉडल जिसपे उनको इनकम होता है। दोस्तों इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखो कभी इसकी कंपनी देखो इनकॉर्पोरेटेड था अक्टूबर 1989 में और ये एक देखो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है CTU पूरे अपने देश का, और ये एंगेज है पावर ट्रांसमिशन बिजनेस पे। जैसे मैंने आपको बताया इनका ये बिजनेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस, ये सब जो भी है देखो मैंने एक्सप्लेन किया, तो वही इनका बिजनेस में है, प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, इस तरह से इनका। और इसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 54.96% स्टेक है, मतलब December 31, 2019 तक का ये काउंट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के सपोर्ट की वजह से देखो कभी कुछ लोन वगैरह लेना होता तो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का इस, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों इसके लिए। और एक देखो ये बहुत सारे कंपटीटर इसमें भी आ जाने के कारण देखो इसमें फिर भी इसने अपनी लीडरशिप पोजीशन को कायम रखा है, एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़ा है अभी भी। जैसे इसका भी शेयर वैल्यूएशन वगैरह देख लेते हैं, इसमें मार्केट कैप देखो 83,261 करोड़ है और उसका बुक वैल्यू देखो 119.55 है, बुक वैल्यू के आसपास थोड़ी चल रहा है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 10.44% है, ये ठीक ठाक ही है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू देखो मैंने देखा 1.33 है, मतलब बुक वैल्यू के आसपास ही देखो ये। फिर इंडस्ट्री पी देखो 9.19 है, तो इसका स्टॉक पी 7.70, मतलब इंडस्ट्री पी से कम पे ये ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखो 51.34% है, गवर्नमेंट का स्टेक इतना बताया गया हो। फिर करंट प्राइस 159 रुपीज के आसपास चल रहा है, स्टॉक पी 7.7 है, ROE देखो ठीक ठाक 22.16% है। डेट टू इक्विटी देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.19, देखो बहुत ज़्यादा है डेट वाली कंपनी है, यानी कि इसमें ये पावर सेक्टर की नॉर्मली जो कंपनी होता है इसमें डेट लगता है। और इसका देखिए PEG रेशियो देखिए प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 0.34 है, तो एक से कम है तो भी अच्छा खासा है। तो राइट साइड में आए थे 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई देखो 216 तक गया था, फिर लो देखो 122 रुपीज़ तक नीचे तक आया था। फिर डिविडेंड यील्ड देखो 5.23%, देखो इतना ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है, इतना परसेंट देखो डिविडेंड मिल जाएगा। सेल्स ग्रोथ देखो 19.29% है, नीचे देखो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, भी अच्छा खासा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 113 हो रहा है। उसके बाद नीचे देखें तो अर्निंग पर शेयर EPS 20.66 रुपीज़ है, तो ये अर्निंग पर शेयर भी देखो ये ठीक है इस वैल्यू वाइज। उसके बाद चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग देखो, प्रमोटर होल्डिंग अब भी इसमें बढ़ा हुआ है इतना। दोस्तों इसमें क्वार्टरली रिजल्ट एक बार देखा था, December 18 को December 19 से कंपेयर करते हैं। इसमें सेल्स को December 18 में 8736 करोड़ था और December 19 में बढ़कर देखो 9364 करोड़ हो गया, देखो जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट में ऐसे देख लेते हैं 2346 करोड़ था December 18 में, क्योंकि बढ़कर देखो December 19 में 2672 करोड़ हो गया, देखो जबरदस्त एकदम ग्रोथ हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट में। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली देख लेते हैं शुरू से लेकर अभी तक का, 2011 से लेकर 2019 तक देख लेते हैं। उसमें सेल्स देखो हर एक साल में बढ़ा है दोस्तों, देखो मैं देख चुका हूँ उसमें हर एक साल में देखो कभी भी गिरावट नहीं, जबरदस्त पूरा 20 तक भी देखेंगे तो भी बढ़ा हुआ है इसमें। और नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे देखो March 2011 में देखो 2672 करोड़ था, उसके बढ़ते बढ़ते देखो हर साल बढ़ा, कभी भी गिरावट नहीं है। और 2019 में 10,034 करोड़ और 2020 में भी देखेंगे तो 10,807 करोड़ तक ये एस्टिमेट किया गया, मतलब इतना तक हुआ है 3 क्वार्टर के हिसाब से एस्टिमेट करके, तो ये भी जबरदस्त इसका प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों। दोस्तों इसका एक साल का चार्ट देख लेते हैं। एक साल पहले देखो 186 रुपीज़ तक चल रहा था 30 अप्रैल के आसपास,
तो इसके बाद देखो थोड़ा वो तो स्टेबल था, फिर अचानक देखो वही कोरोना वायरस का आया, तो उसके बाद अचानक से गिर गया ये। अब ये 155 160 तक के आसपास ही चल रहा है दोस्तों। उसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। उसका देखो ये 2008 में देखो इसका 155 रुपीज़ चल रहा था, जिस समय देखो 2008 में जब मंदी चल रही थी, मंदी देखो चलते गिरते गिरते 64 रुपीज़ तक गिरा था वो एक साल में मंदी में। तो ये भी समय मंदी का ही चल रहा है वैसे ही समझ लो दोस्तों। अभी 64 से बाद में देखो बड़ा 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 2009 के पार हुआ तो देखो 122 तक चला गया सीधा, अच्छा खासा फिर स्टेबल सा रहा कुछ दिनों तक, 110 तक 122, उसके बाद फिर बड़ा 147 144, फिर देखो 223 तक एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ लिया था बढ़ते बढ़ते, फिर बाद में थोड़ी उतार चढ़ाव होते होते 179, अभी देखो 153 155 के आसपास चल रहा है दोस्तों। उसका दूसरे कंपनियों से भी कंपेयर करके लेंगे ना सेम इंडस्ट्रीज से, उसका देखो बाकी कंपनियों का पी वगैरह पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो पी देखो NTPC का 6.47 पी है और पावर ग्रिड का 7.7 है, और बाकी के देखो कंपेयर करके देखेंगे तो ठीक ठाक ही लेवल पर है पी पर, पावर ग्रिड भी चल रहा है। और मार्केट कैप देखो सेकंड नंबर पर देखो दिख रहा है यहाँ पर, NTPC का 92,415 करोड़ है, तो पावर ग्रिड का देखो 83,260 करोड़ भी ज़बरदस्त देखो मार्केट कैप, मतलब इतना पैसा लगा है इसके कंपनी सब लोगों का इसके उस कंपनी में। फिर डिविडेंड यील्ड भी देखो अच्छा खासा 5.23% पावर ग्रिड का है, बाकी का कंपेयर करेंगे तो भी अच्छा खासा ठीक ठाक है। फिर PEG रेशियो भी देखो एकदम कम है 0.34, मतलब एक से कम होना चाहिए। देखो PEG ज़बरदस्त पावर ग्रिड का बहुत कम और अच्छा अट्रैक्टिव रेट पर है। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे रेट को देखो 1.33 है, ये भी ठीक ठाक ही है बुक वैल्यू के हिसाब से भी ठीक ठाक है। फिर डेट टू इक्विटी देखो देखो ऑल बाकी के देखो पावर सेक्टर की कंपनियां में देखो डेट तो है ही, ये देखो अडानी ग्रीन का देखो 13.26 एकदम हाई डेट कंपनी है, वहाँ पर उसके कंपेयर में भी देखो 2.19 थोड़ा कमी है लेकिन वो भी हाई डेट ही है, जैसे एक से कम ही होना चाहिए जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों। तो ये दो हो गया तो बहुत हाई डेट वाली कंपनी हो जाती है दोस्तों। उसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं देखो, इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देखो गवर्नमेंट का 51.34% लगा हुआ है, तो पब्लिक ने देखो 48.66% लगाया है। तो ये 48.66% ये किसका है दोस्तों, ये मार्च 2020 का ये शेयरहोल्डिंग पैटर्न है। तो इसमें मार्च 2020 तक देखो पब्लिक ने कितना लगा कर रखा है 48.66, उसका डिटेल देख लेते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड की 32 स्कीम ने इसमें लगा कर रखा 10% के आसपास 9.96% लगाया। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 806 लोगों ने देखो अराउंड 27% लगा के रखा है 26.95 जो है। उसके बाद देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक ने 15 बैंक ने देखो अलग अलग 1.25% लगा के रखा है। फिर LIC ने अकेले ने देखो 5.25% लगा के रखा है। फिर नीचे देखेंगे तो दोस्तों मैं इसमें से मेजर मेजर बड़े बड़े परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, बाकी बीच बीच में आप पढ़ सकते हो उसको। फिर शेयर होल्डर जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है जिसमें अप टू 2 लाख के अंदर है जिसका उसका 2.46% लगा के रखा है, तो इसका इस तरह से डिटेल है दोस्तों। तो ये अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मान सकते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद उसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है एक बार देख लेते हैं। फिर NSE में देखो 27 अप्रैल को देखो निफ्टी देखो 1.4% तेज था, 127 पॉइंट देखो ऊपर गया था। तो पावर ग्रिड में देखो 0.25% की तेजी थी, 40% ऊपर था देखो ये अराउंड 159.55 देखिए चल रहा है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितना उठा रहे देखो 50% के आसपास देखो डिलीवरी उठा रहे 49.57%, भी बहुत अच्छा खासा डिलीवरी लोग ले रहे हैं इसमें। तो इन लोगों को ये अच्छा खासा रेट लग रहा है इसलिए डिलीवरी भी इसमें अच्छा खासा उठा रहे लोग उसके अंदर दोस्तों। दोस्तों इसमें देखो ये दो तीन वीक पॉइंट थी जो कि मैं आपको बता देता हूँ उसमें। इसमें देखो पहला जो वीक पॉइंट का है इसका नेगेटिव पॉइंट्स है इसमें, इसमें जो जो रिसीट बाकी के देखो ये पार्टियों से इनको मिलना होता है पावर के साथ में सप्लाई के साथ, तो इसमें देखो ये इसके रिसीट जो कलेक्शन जो है उसमें हमेशा डिले होती जा रही है। और देखा इनका डेट भी बहुत ज़्यादा है, उसके कलेक्शन करके प्रॉपरली सब पेमेंट वेमेंट इनको करना होता है, तो उनका डिले सिग्निफिकेंट हो रहा है ये उनके कलेक्शन में। और दूसरा क्या है देखो कभी भी गवर्नमेंट के कुछ भी इसमें इसके पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में कुछ भी रेगुलेटरी में कुछ भी गवर्नमेंट के डिसीजन में कुछ भी चेंजेस आए तो इसके कंपनी को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, तो ये एक सेकेंड पॉइंट है दोस्तों। और जैसे कि इसके ये जैसे मैंने बताया दोस्तों कि अभी देखो जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें देखो मार्च 2020 से लेकर June 30 तक का जो भी है कलेक्शन उसमें भी देखो डिले हो रहा है उनका। और उसमें देखो उन्होंने जो जो डिले पेमेंट का जो रेट है जो LPS है देखो LPS लेट पेमेंट सरचार्ज जो है पहले देखो 1.5% था, उसको घटा कर 1% कर दिया उन्होंने, मतलब उनको ये लेट पेमेंट तो मिलेंगे भी जो क्रेडिट कम करे तो लेट पेमेंट भी करेंगे लोग, उसके वजह से देखो
इसका लेट पेमेंट चार्जेस भी कम मिलेगा, लेट और कलेक्शन तो डिले हो गई, तो उसकी वजह से देखो इनके बिजनेस में असर पड़ सकता है। तो ये एक तरह से माइनस पॉइंट है जिसका मैंने आपसे डिस्कस कर दिया दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी बात कीजिए, जो भी है अपना डिसीजन खुद लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।